तो यार फाइनली आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस से। तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट में एसएमपी किस तरीके से बनाया जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो आजकल आप लोग देख रहे हो बड़े बड़े यूट्यूबर सारे एसएमपी में खेलते हैं, तो एसएमपी में आप लोग बताऊँ किस तरीके से खेल सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। सर्वाइवल वर्ल्ड में सारे आपके दोस्त होंगे और आप यानी कि मल्टीप्लेयर टाइप का एक होता है, जैसे कि मल्टीप्लेयर। मेरी एक पुरानी वीडियो भी थी जिसमें मैं आपको बताया था मल्टीप्लेयर खेलते हैं, मगर वो उसमें ये था कि लैन से आप लोग खेल सकते थे, और इसमें यह है कि आप लोग यानी कि जितने भी हैं बंदे आपके फ्रेंड जो भले किसी और कंट्री में रहते हो वो सारे आपस में आप लोग खेल सकते हो। तो उससे पहले आप लोगों को एक और बात बताऊँ मैं कि पहले अभी इस वाले जो मेरा पुराना वर्ल्ड था वो डिलीट हो चुका था। तो इस वाले वर्ल्ड में मैंने अपना कुछ यानी कि जो पीछे एक विलेज था, विलेज में मैं पहले यानी कि सामान वगैरह लेके रह रहा था, तो अभी मैं वहाँ से अपनी सारी चीज़ों को उठा कर अपने साथ एक मैं गधा पकड़ा, इस गधे को और एक इस घोड़े को मैं पकड़ा और दोनों को इसके अंदर ये चेस्ट लगाया, इसके अंदर चेस्ट लगा कर इसमें सारे सामान वगैरह लेकर मैं आ गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं सारा यहाँ पर अभी सेट कर रहा था, इसे भी सेट किया, अभी हाउस बनाने वाला हूँ यहाँ पर एक अपना घर जो कि जोकर फेस होगा, यानी कि जोकर फेस हाउस होगा जैसे कि आप लोग इसके फेस देख रहे हो ना। क्यूट सा जोकर इसी टाइप का ही होगा, वो भी यानी कि इसी फेस पे ही बना हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। तो उसकी वीडियो भी बना के मैं बहुत जल्द चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं चुका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ से जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आप लोगों ने मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, नहीं तो अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं हो लिंक तो आप सीधा अपने ब्राउज़र पर आना, यहाँ पर लिखना server.pro। इस वेबसाइट पर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर राइट पे आप लोगों को लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पहले से आईडी तो आप लोग लॉगिन करो, अगर नहीं है तो जारी बात है नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोगों ने साइनअप करना है। सीधा यहाँ पर सिंपली अपना ईमेल डालना है या पासवर्ड डालना है और आप लोग की आईडी साइनअप हो जाएगी। तो मेरी आईडी है, मैं जल्दी यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी अपनी आईडी को साइन अप कर लिया है, तो साइन अप करने के बाद यहाँ से आप लोगों को कहेगा कि एक्टिवेट अकाउंट, तो आप लोगों ने जो ईमेल अपना दिया है साइन अप करते वक्त वो आप लोगों ने जाकर चेक करने की, उसमें एक मेल आई होगी, तो उसी मेल पर आप लोगों को एक लिंक होगा एक्टिवेट करने का, तो वो आप लोगों ने जाकर वहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। तो मैं जल्दी जाकर अभी एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे कि आप बता सकते हो कि अभी मैं जल्दी से जाकर अपने ईमेल में जो लिंक आई थी वहाँ से जाके मैंने अपने लिंक को वेरीफाई कर लिया, एक्टिवेट कर लिया अपने अकाउंट को। तो उसके बाद जब आप लोग रिफ्रेश करोगे यहाँ से अकाउंट को उसी वाले पेज को, तो आप लोग कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा इस वाले में आने के बाद। यहाँ से जारी बात आप लोगों ने फ्री में बनाना, अगर आप लोगों के पास यानी कि पैसे वगैरह हैं तो आप लोग यानी कि चाहते हो कि मैं पैसे देकर बनाऊँ, तो आप लोग इन सब में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। प्लान जो कि आप लोग दे सकते हो $10 पर मंथ, $5 पर मंथ, ये सब्सक्रिप्शन है इनकी। और अगर आप लोगों ने फ्री में चलाना है, मैं गरीब हूँ मतलब फ्री में चाहते हो कोई पैसे वैसे ना लगे, तो ये वाला इजी सीन है, कोई मसला नहीं है, इसमें भी आप लोग चला सकते हो। तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा, इसमें बस दो ही कंट्रियाँ हैं, तो आप लोगों ने कनाडा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें माइनक्राफ्ट जावा भी है और बेडरॉक भी है, मतलब ये बेडरॉक में भी है और जावा में भी चल सकता है। तो और ये टेरेरा क्या है ये मुझे नहीं पता है, तो मैं जावा में पास सिंपली है तो मैं जावा में सेलेक्ट करूँगा, और बाकी वनीला ही सिलेक्ट करना है यहाँ से क्योंकि अपने पास वनीला है। और बाकी फॉर्ज भी है, तो फॉर्ज के लिए रिक्वायर्स 4GB, तो फॉर्ज में भी नहीं चला पाए हम लोग, तो वनीला ही सिलेक्ट करेंगे। बाकी वर्जन 1.17.1 और होस्ट नेम यहाँ से डाल देते हैं abcdw.mcserve.me, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, mcnetwork.me, mcserver.org ये कर लेते हैं। ओके हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें सही है, फिर क्रेडिट सर्वर में आ जाना है, यहाँ से नीचे क्रेडिट सर्वर करना है, फिर आप लोगों को ये कहेगा कि आप अपनी रोबोट तो नहीं हो, तो आप लोगों ने ये वेरीफाई करना है कि हम रोबोट नहीं है, हम सीधे साधे इंसान हैं। तो क्या नाचोगे? तो यहाँ से आप लोगों ने मोटर बस पे आप लोगों ने सारे करना है, तो ये एक बस हो गई और ये एक बस है, क्या ये एक बस है? नहीं, ये बस नहीं है, ये एक बस हो गई, ये एक बस हो गई, ये एक बस नेक्स्ट,
एक और एक मोटर बस, ये मोटर बस, ये मोटर बस, ये मोटर बस। Few inches later. तो अभी मैंने वेरीफाई कर दिया और मेरा देख सकते हो आप लोग यहाँ पर सर्वर अभी बनकर आ चुका है और ये अभी ऑनलाइन हो चुका है। यानी कि इसे ऑनलाइन करने का ये होता है कि यहाँ से देख सकते हो कि ऑनलाइन है, शो हो रहा है, मतलब कि ऑनलाइन है आपका सर्वर। जैसा कि मुझे पता था कि मेरा सीपीयू 100% यूज़ पे जाना है क्योंकि मेरा अभी जो पीसी है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो कोई बात नहीं। बाकी ये देख सकते हो आप लोग कि आपका ये होस्ट नेम यहाँ पर लिखा आ रहा है, क्योंकि ये होस्ट नेम है जो आप लोग डालोगे वहाँ पर, वो आप लोगों का वहाँ पर यानी कि मल्टीप्लेयर में जाकर इसे आप लोग पुट करोगे मल्टीप्लेयर के सर्वर ऐड सर्वर्स में, तो ये फिर आप लोग यहीं से प्ले कर सकते हो इसी को ही डाल के। बाकी आईपी एड्रेस ये मैं हाइड कर दूँगा क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता ये तो। और इसके अलावा अगर आप लोग को ये भी देखना है कि आप लोगों का सर्वर ऑनलाइन है या नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ से कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों का सारा प्रिपेयरिंग चलेगा, ये बहुत देर तक अभी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अभी भी सर्वर बना है, ये थोड़ा टाइम लेता है ये थोड़ा सा होने में, ये पूरा 100% तक जाएगा ये, तो इसे होने देते हैं, थोड़ी देर तक वेट करते हैं। तो जैसा कि आप बता सकते हो यहाँ पर एक डन करके लिखा आया है, यहाँ पर ये जो डन लिखा आया है मतलब कि आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है, यानी कि डन हो गया है सारी चीज़ें इसमें, अब ये सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो जो डन लिख के आ रहा है, तो मतलब आप लोग अब सर्वर इजीली स्टार्टेड है। तो अब आप लोग यहाँ से जाकर अपना ये जो होस्ट नेम है इसे कॉपी करो, सीधा माइनक्राफ्ट के ऐड सर्वर में जाकर इसे ऐड करो और अपना ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी दो, तो ताकि वो भी सारे आ जाएं और सारे मिलकर इसमें इजीली एसएमपी बनाओ और फिर खेलो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।